नमस्ते भाइयों और बहनों, आज हम कर रहे हैं हम तुम एंड देम वेब सीरीज का रिव्यू, जो हम आल्ट बालाजी में देख लिए हैं और ये G5 पर भी आ रही है। तो 15 एपिसोड का वेब सीरीज है और जॉनरे है रोमांस, और आपको तो पहले ही पता है कि आंटी को रोमांस वाला जॉनरे बहुत पसंद है, तो हम झटपट देख ली। तो इसमें कलाकार ले लिए हैं अक्षय ओबरॉय और अपनी श्वेता तिवारी। तो राजा, श्वेता तिवारी का ऐसा है, वो इतनी महान कलाकार हैं कि एक जमाना था जब वो टीवी में रोती थी और सारा इंडिया उनके साथ रोता था। हाँ, सही बता रहे हैं, हम भी रोते थे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस वेब सीरीज की कहानी जो है वो भूमि पेडनेकर के एक डायलॉग में हम आपको बता देते हैं कि राजा, औरत की उस उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है जो उसने खुद के लिए जी हो। हाँ, इसी विषय पर ये वेब सीरीज है। काहे कि श्वेता तिवारी माने शिवा जो हैं, उनका पति एक नंबर का निकम्मा आदमी है और एक बेटी भी है, तो वो समझ लेती हैं कि ये पति से डाइवोर्स करना ही बेहतर है, उसको डाइवोर्स दे देती हैं। और वो कमीना इतना है कि उनकी बेटी को उनके खिलाफ भड़का रहा, हाँ सही नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ है अक्षय ओबरॉय, जिनके खुद के 3 बच्चे हैं, पर वो खुदे बच्चे हैं, और 3 बच्चे इतने उद्यमी हैं कि उनको देख के हमको लग रहा कि बच्चे 2 ही अच्छे। हाँ, खैर, हीरो हीरोइनी मिलते हैं, दोनों में गजब का केमिस्ट्री है और थोड़ा बायोलॉजी भी कर लेते हैं, पर जैसा कि हमारे देश की परंपरा है कि लव स्टोरी में कोनो अड़ंगा आता ही है, ऐसे इनके बच्चे इनके खिलाफ जो है हो जाते हैं। तो क्या है राजा, हमारे देश में लव स्टोरी का एवरेज एज हमको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब जवान रहो तो खुद के माँ बाप उंगली करते हैं, जब बड़े हो जाते तो खुद के बच्चे लव स्टोरी में उंगली करते हैं। तो आप हमें बताइए कि लव स्टोरी करे किस एज में। हाँ, सही बता रहे हैं, आप भी सोचना। खैर, इस पूरे प्रोग्राम में हमको जो है एक लड़के का काम बहुत बढ़िया लगा, जो कि यूडी माने अक्षय ओबरॉय के बेटे बने हैं आर्यन, और उन्होंने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। तो बेटे, आपको डबल आशीर्वाद, ठीक है। इस प्रोग्राम का हम 2 गलती पकड़ लिए हैं। हाँ, सही बता रहे हैं। तो पहला गलती तो ये कि अक्षय ओबरॉय जो है एकदम जेंटलमैन बॉय, वेरी नाइस लुकिंग बॉय, वेरी गुड एक्टर, बट एज वेरी लेस। तो उनके जो 3 बच्चे बनाए हैं, उनके 3 भाई बहन लग रहे हैं हमको, तो हमको लगा उन्होंने अपनी उम्र से बहुत बड़ा रोल किया है, पर एक्टिंग A+, एक्स्ट्रा आशीर्वाद बेटा। और श्वेता तिवारी का एक गलती हम पकड़े हैं, काहे कि एक जगह ऑफिस से उनको ओजे आके ले जाता है, तो उनके बाल कर्ली हेयर्स हैं, गाड़ी में बैठती है तो स्ट्रेट हेयर्स हैं, और वापस गाड़ी से उतर रहे हैं तो फिर कर्ली हेयर्स हो जा रहे हैं। तो रानी, ऐसा नहीं होता है, आप अगली बार ध्यान रखना, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो वेब सीरीज है, ये प्यार और जिम्मेदारी के बीच जो संतुलन बनाता है इंसान, उसके विषय में है। तो आप लोग भी देखो, आपको कैसी लगी आप बताओ, और लास्ट एपिसोड में अगर आपकी आंख से आंसू नहीं छलके तो हम बता रहे हैं आप इंसान नहीं, एलियन है। हाँ, तो ठीक है, आप लोग भी देखो, हमको बताओ आपको कैसा लगा। अच्छा, चलते हैं, चाय चढ़ाई थी।